तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक करते जाएं। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि एटा में योगी ने बाबा मुल्ले शाह की दरगाह पर चलवा दिया बुलडोजर, मुसलमानों ने किया विरोध, बिना नोटिस के की है कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाना पड़ा भारी, दुनिया भर के 7 देशों ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, अगर मोदी ने निर्यात को नहीं खोला तो लगाएंगे मोदी पर बैन, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा मस्जिदों पर ही क्यों मिलते हैं भगवान, बताए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने किया दावा, बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में हिंदू संगठन ने मंदिर के सबूत होने का किया दावा, तो मौलाना साजिद रशीदी बोले कयामत तक मस्जिद थी और मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, बाबरी की तरह इस मस्जिद को नहीं तुड़ने देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ आज पंजाब में किया प्रदर्शन, पंजाब की बीजेपी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट हमें बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी ने बाबा मुल्ले शाह की दरबार पर एटा में चलवाया बुलडोजर, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एटा में की। कल एटा के सिविल लाइन्स में बाबा मुल्ले शाह की दरगाह पर योगी सरकार ने बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चलवा दिया और इस मजार को बुरी तरह से तोड़वा दिया। भैया आपको बता दें कि मजार के तोड़े जाने का मुसलमानों ने विरोध किया और मुसलमानों ने कहा कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी कानूनी आदेश के आखिरकार कैसे योगी ने हमारे मजार को तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि मजार को तोड़े जाने के बाद अब मामला और बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल को एटा भेजा है और इसकी जांच करने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी सहित मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के इशारे पर मुसलमानों के मस्जिद और दरगाहों पर ये बुलडोजर चलवा रही। तो ये बड़ी अपडेट आई। तो इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी ने गेहूं के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, तो 7 देशों से मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक का असर अब विश्व के बाजारों में दिखने लगा है। सोमवार को यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंची। अब इसी को लेकर 7 देशों से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि G7 देश भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक की आलोचना कर रहे हैं और मोदी के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 औद्योगिकृत देशों के समूह के कृषि मंत्रियों ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा कि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मोदी सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी तो दुनिया भर के सभी देश अपनी अपनी चीजों पर प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे दुनिया की स्थिति और खराब होगी। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था और यह प्रतिबंध 13 मई को मोदी सरकार ने लगाया था। और 13 मई को प्रतिबंध लगाने के बाद अब मोदी सरकार के विरोध में दुनिया भर के 7 देश विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल गेहूं के निर्यात को खोलना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद पर बोली महबूबा मुफ्ती, मस्जिदों पर ही क्यों मिलते हैं भगवान। जी दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बीडीपी नेता ने कहा कि केंद्र मस्जिद के मुद्दे को उठाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिरकार इन लोगों को मस्जिद में ही क्यों भगवान मिलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले इन्हें बाबरी मस्जिद में भगवान राम मिले थे, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद में इन्हें फिर से श्री कृष्ण मिल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी महंगाई और दुनिया भर की चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने मोदी सरकार को दी धमकी, कहा भारतीय ना जाए हिमाचल और ताजमहल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38वें वर्ष से पहले अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक और धमकी भरा वीडियो मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया है। SFJ प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू ने पर्यटन अलर्ट जारी करते हुए भारतीयों को ताजमहल और हिमाचल प्रदेश का दौरा नहीं करने की सलाह दी है।
पन्नू के अनुसार सीएम ठाकुर, मनोहर खट्टर और योगी आदित्यनाथ ने खालिस्तानी समर्थक सिखों के साथ झूठे आतंकी आरोप दायर कर संघर्ष शुरू कर दिया है, जिससे यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का संकट बढ़ सकता है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि किसी भी कीमत पर हम जो है इन हिंदू संगठनों के आगे नहीं झुकेंगे और हम भारतीयों के हिमाचल प्रदेश और ताजमहल में नहीं जाने देंगे और इन दोनों जगह अगर कोई भी हिंदू गया तो हम उस पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिख फॉर जस्टिस ने मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर बोले मौलाना साजिद रशीदी, कहा कयामत तक मस्जिद है मस्जिद रहेगी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखानों में मंदिर के साक्ष्य मिलने के बाद हर ओर सरगर्मी बढ़ गई है। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मौर्य ने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाबा महादेव प्रकट हुए हैं, ये सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश है। वही आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने को हिंदू पक्ष इसने अपनी जीत बता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखने में पीछे नहीं है। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी का मंदिर के साक्ष्य मिलने के बाद विवादित बयान सामने आया है। शिवलिंग मिलने के बाद सामने आए मौलाना ने कहा है कि ये सर्वे की गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जोर तोड़कर आप शिवलिंग बना लो या ओम बना ले, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी को झूठला नहीं सकते, दुनिया में जहां हो तो वहाँ आपको कुछ मिल जाएगा। रशीदी ने कहा कि ऐसे तो आप किसी भी मंदिर के नीचे खुदाई कर लो, आपको भी साक्ष्य मिल जाएंगे कि बाबरी में सब तत्व होने के बाद जगह मिल गई तो यहाँ भी दे दो। मुसलमानों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इस बार किसी भी कीमत पर मस्जिद नहीं देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान संगठनों ने पंजाब और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, ट्रैक्टरों से पहुंचे चंडीगढ़, पंजाब सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों ने 17 मई को चंडीगढ़ में मोर्चा लाकर प्रदेश सरकार को घेरने का ऐलान किया है। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों ने ऑनलाइन बैठक करके मोर्चे की तैयारी की समीक्षा की। इन मोर्चों के दौरान भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर चंडीगढ़ पहुंचे, जिसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि बीबीएमबी के मुद्दे पर 25 मार्च को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन पंजाब सरकार इस मामले पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं कर सकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने में असफल रही है, जबकि केंद्र सरकार ने डैम सेफ्टी बिल पारित करके भासरा डैम का पूरा प्रबंध पंजाब से छीन लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, खूब विरोध पंजाब सरकार और केंद्रीय मोदी सरकार पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले केजरीवाल, बाकी लोग अपने घरों को कैसे लौटेंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने कश्मीरी पंडित समुदाय के एक सरकारी कर्मचारी की पिछले सप्ताह आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना के संदर्भ में केंद्र से ये अनुरोध किया है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी मिली थी। राहुल की बृहस्पतिवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा शहर में तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को उसके कार्यालय के अंदर घुसकर गोली मार दी, ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करनी चाहिए, अन्यथा उससे हट जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बात बस की बात नहीं है कि वो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कर सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बोले बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। 3 दिनों तक के मंथन के बाद कांग्रेस ने 2024 की अपनी रणनीति वापसी की लड़ाई का रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं चिंतन शिविर में बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं हरा पाएंगी। राहुल के दिए इस बयान पर क्षेत्रीय पार्टी भड़क उठी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरा है। मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से देश की रीढ़ तोड़ दी और अब वो लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगार जैसे मामलों से जूझ रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वे केवल कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास ऐसी विचारधारा नहीं है जो वो बीजेपी को हरा सके। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में 25 साल बाद नहीं होगा कोई भी किसान, कृषि सेक्टर होगा ठप, ईसा फाउंडेशन का चौंकाने वाला सर्वे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भविष्य में भारत के कृषि क्षेत्र को लेकर चौंकाने वाली बात कही है। सदगुरु ने कहा कि अगले 25 साल में भारत में कोई भी किसान नहीं रहेगा। उन्होंने अपने संगठन की एक सर्वे को लेकर यह दावा किया है। सदगुरु ने आगे कहा कि भारत में कृषि प्रक्रिया को आकर्षक नई
बनाई गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सदगुरु ने कहा कि भारत में कृषि से जुड़े लोग अपनी जमीन पर रहकर अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि आज किसानों की 63% आबादी में से 2% भी ऐसे नहीं हैं जो भविष्य में कृषि क्षेत्र पर बने रहना चाहते हों। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के साथ वर्चुअल बातचीत में अध्यात्म गुरु बाईसा फाउंडेशन के संस्थापक ने अपने संगठन की ओर से किए गए एक सर्वे के डेटा का जिक्र किया। सदगुरु ने कहा है कि ईसा फाउंडेशन ने इस बात को लेकर एक सर्वे किया जिससे ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि अगर सरकार की कृषि नीतियों में बदलाव नहीं आया तो अगले 25 वर्षों में भारत में कोई भी किसान नहीं होगा।